तो आज मैं आपको टॉप थ्री चार्ट पैटर्न सिखाने वाला हूं अगर ये चार्ट पैटर्न अगर आप जान जाते तो इसका फायदा जानोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे अगर ये चार्ट पैटर्न अगर आप सीख जाते हैं तो आपको चार्ट एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा मतलब आप एक मिनट में पता कर लोगे कि मार्केट में क्या होने वाला है मैं गारंटी के साथ बोलता हूं अगर आप सीखे तो मार्केट का डायरेक्शन आप खुद पता कर लोगे क्या होने वाला है ये तीन चार्ट पैटर्न मार्केट में डेली बनते हैं हमेशा बनते हैं अगर ये तीन चार्ट पैटर्न को समझ लिए तो आपको कोई स्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगा मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कोई भी स्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगा और मार्केट में चार्ट को एनालिसिस करना एक बच्चे की तरह आप आराम से एक बच्चा भी समझ जाएगा इतना सिंपल हो जाएगा और आप दो या तीन मिनट में चार्ट को समझ लोगे कि क्या होने वाला है तो समझ लो ये तीन चार्ट पैटर्न में इतना पावर है ये तीन चार्ट पैटर्न जानने के बाद आपको कोई स्टेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगा अगर ये समझ समझिए पूरा मार्केट को आप समझ गए सब मार्केट को समझ गए तो चलिए तीन चार्ट पैटर्न है क्या तो ये चार्ट पैटर्न कौन सा है फर्स्ट है असेंडिंग ट्रैंगल दूसरा है डिसेंडिंग ट्राइंगल और तीसरा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे जब मैं मार्केट में स्टार्टिंग में आया था ये तीन चार्ट पैटर्न पढ़ने के लिए मैं साढ़े पाँच हज़ार रुपया पे किया था तब मैं सीखा था ये तीन चार्ट पैटर्न को मैं पे करने के लिए सीखने के लिए पाँच हज़ार साढ़े पाँच हज़ार पे किया था तब ये सीखा था लेकिन मैं आज आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ अगर ये समझ गए आप खुद बोलोगे क्या संजीव भाई कहाँ थे आप क्यों नहीं बता रहा था पहले क्योंकि मैं लाने वाला था ही धीरे धीरे स्टेप ए स्टेप सब कुछ लाने वाला था तो दोस्तों ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न इसको बोलते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के ये तीन बच्चे हैं एक एसेंडिंग ट्राइंगल दूसरा डिसेंडिंग ट्राइंगल तीसरा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल आप बोलेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है ये हमको पहले बताओ तो देखो जैसे एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न मैं कोई बना बनाता हूँ अभी आपको फिलहाल नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं बता देता हूँ तो ये चार्ट का नाम है सिमेट्रिकल ट्राएंगल जब आप चार्ट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब ये होता है ये न्यूट्रल चार्ट पैटन का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है मार्केट यहाँ से क्या है नीचे भी जा सकता है न्यूट्रल का मतलब होता है क्या होता है आपको समझ में आएगा न्यूट्रल चार्ट पैटन का मतलब होता है कि मार्केट दोनों दिशा आने में ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है दोनों दिशा जा सकता है और दोनों का एक्यूरेसी फिफ्टी परसेंट रहता है जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड ड्रा मूवमेंट करेगा ऊपर भी ब्रेक कर सकता है नीचे भी ब्रेक कर सकता है तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चार्ट पैटर्न है इससे क्या होता है कि आप आप uh, कॉल की साइड में भी सेटअप अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप कॉल लेंगे अगर नीचे जाता है तो आप पुट लेंगे अगर आप बाइंग करते हैं इंटर ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें भी अगर ऊपर जाता है तो बाई कर सकते हैं नीचे जाते तो आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं वो कर सकते हैं तो सीमेंटिकल न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है उसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न न्यूट्रल चार्ट पैटर्न ये तीन प्रकार का होता है एसेंडिंग ट्राइंगल डिसेंडिंग ट्राइंगल और सिमेट्रिकल ट्राइंगल तो सबसे पहले हम लोग एसेंडिंग ट्राइंगल को कैसे यूज करते हैं, वो हम आपको बताएंगे उसके बाद चार्ट को देखोगे तो आप इजीली हो जाएगा इसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ट्राइंगल को यूज कैसे करते हैं हम बताएंगे इसके बाद हम लोग लास्ट में सिमेट्रिकल ट्राइंगल को कैसे यूज करते हैं हम आपको बताने वाला है तो ये देखिए सबसे पहले आपको एसेंडिंग ट्राइंगल किस टाइप को बनेगा वो आपको थोड़ा जानकारी ले लेते हैं देखो एक चीज हमेशा रखना चार्ट पैटर्न का एक रूल है कि मार्केट कम से कम दो टॉप ये दो टॉप ये दो बॉटम कम से कम कनेक्ट होना चाहिए ये भी मिला के चलेगा ये कनेक्ट होना चाहिए किसके ट्रेन लाइन का कनेक्ट होना चाहिए तभी ये चार्ट पैटर्न कोई भी चार्ट पैटर्न कहलाएगा चार्ट पैटर्न तब कहलाता है दो टॉप दो बॉटम ट्रेन लाइन का क्या है कनेक्ट होना चाहिए ट्रेन लाइन या सपोर्ट का कनेक्ट होना चाहिए तभी ये क्या है चार्ट पैटर्न कहलाएगा एक रूल है तो एसेंडिंग ट्रायंगल को कैसे पहचानी है हम आपको बता देता हूँ देखो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाए ना ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या है यहाँ से और यहाँ से मार्केट क्या है एक बार नीचे गिर जाएगा ठीक है ना नीचे गिरने के बाद अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और सेम जहां से मार्केट नीचे गिरा था वहीं उसी के आसपास से मार्केट क्या अगेन नीचे गिर जाएगा ठीक है ना फिर दो बार हो सकता है दो से ज्यादा भी हो सकता है दो बार भी हो सकता है फिर मार्केट अगेन ऊपर जाएगा तो जहां से मार्केट नीचे गिरा था वहीं से मार्केट क्या है नीचे गिर जाएगा और हो सकता है नेक्स्ट मार्केट क्या है उसको ब्रेकआउट करके एक नया हाई लगा सकता है तो ये हॉर्जेंटल लाइन में जहां से मार्केट बार बार नीचे गिरा था वहीं से मार्केट क्या है नीचे गिरेगा ये इसका फर्स्ट पहचान है और दूसरा डाउन साइड में क्या होगा कि क्या है यह हायर हाई बनाएगा मतलब इसके लोग को ये ब्रेक नहीं करेगा तो क्या हायर हाई high बनाएगा ये सेम नहीं रहेगा यहां पे देखिए आपको याद रखना है कि ऊपर वाला जो लेवल होगा ना हॉर्जेंटल लाइन होगा नीचे वाला जो लेवल होगा ना ट्रेन लाइन होगा मतलब ये हायर हाई बनाएगा इसके हाई को ये नहीं ब्रेक करेगा और इसके

जब तक मार्केट इसको ऊपर ब्रेक नहीं करता है अब ब्रेक कर ब्रेक नहीं करता ब्रेक करने के बाद मार्केट को क्या करना है जो कैंडल ब्रेक करता है उसमें आपको गलती से क्या करना है ट्रेड नहीं लेना है क्या करना है उसको क्लोज होने देना है ठीक है ना इसको क्लोज होना जैसे ब्रेकआउट करता है तो उसमें तुरंत एंट्री आपको नहीं लेना है क्या करना है क्लोज होने देना है अब क्लोज होने के बाद जैसे नेक्स्ट कैंडल कोई यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनता है इसको हाई को ब्रेक करता है आप इमीडिएट बाई कर सकते हैं इसी कैंडल के नीचे क्या करेंगे स्टॉपलस लगाएंगे और फर्स्ट टारगेट आप क्या करेंगे स्टॉपलस का डबल रख सकते हैं दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका आप रख सकते हैं ठीक है ना इस बीच का डिस्टेंस का भी आप टारगेट ले सकते हैं अगर आप स्टॉप प्लस का भी डबल ले सकते हैं या तो थर्ड टारगेट है कि नियर बाय जो रजिस्टेंस है वो वो रजिस्टेंस को आप रख सकते हैं ठीक है ना या तो आप इस बीच का जो टारगेट आप रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं नहीं तो रजिस्ट्रेंस आपको दिख रहा है तो रजिस्ट्रेंस का ले सकते हैं तो जो ब्रेकआउट करता है उसको क्लोज होने देना क्लोज होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं दूसरा एंट्री लेने का तरीका है जैसे उसको ब्रेकआउट करता है तो एक और डिटेस्मेंट करने के लिए थोड़ा नीचे आने दीजिए फिर अगेन कोई बुलिस कैंडल बनता है और इसका हाई को ब्रेकआउट करता है बुलिस कैंडल को हाई को तो फिर आप इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है वो आप टारगेट ले सकते हैं ठीक ना रिटेसमेंट के बाद ले सकते हैं क्योंकि रीजन में बताते मार्केट यहाँ से बार बार नीचे गिरा था तो मार्केट के लिए क्या था पहले रजिस्ट्रेन था मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट होता है सपोर्ट कैसे रजिस्ट्रेस में तो वो देख लेना है जैसे मार्केट इसको ब्रेकआउट किया तो पहले रजिस्ट्रेन था आप नीचे आए तो रजिस्ट्रेन से क्या बन गया सपोर्ट बन चुका है और सपोर्ट पर जैसे मैंने बोला मार्केट के ट्रेंड के अपसाइड में तो सपोर्ट पर जैसे कोई बुलिस कैंडल बनता है यहाँ पे रिटेसमेंट के लिए आता है और बुलिस कैंडल को हाई को ब्रेकआउट करता है तो आपको इमीडिएट एंट्री लेना है उसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉपलस लगाना है और टाइट अपना यही दो तरीका आपको एंट्री लेने का तरीका, याद रखना आ जाते हम ना? यहाँ पे देखो, एक बार टच हुआ है दो बार टच कम से कम कंपलसरी दो बार टच होना चाहिए उससे ज्यादा भी टच होगा तो चलेगा आप बोलेंगे संजीव भाई यहाँ पर साइडो ऊपर है तो क्या करें तो आप यहाँ पे काम करो जो बॉडी या जो बार बार टच है उसको आप ले सकते हो उसको आपको लेना है बॉडी या साइडो को जो मिल रहा है ना उसको लेना है ये साइडो काम नहीं करेगा आपको बॉडी लेना या तो आप बोलेंगे फिर भी दिक्कत होता है तो आप यहां पे क्या करें एक जोन ड्रो कर सकते हैं ठीक है ना जोन ड्रो कर, कर सकते हैं लेकिन जब यहां पर बॉडी इस टाइप का ये बॉडी या ये साइडो रहेगा दो बार टच हो रहा है तो हमेशा इसके हाई को ब्रेक करता है तब टेले इसके हाई पर मच जाइए इसके हाई को तो ब्रेक करता है तब टेले इसलिए यहां पर हम क्या किए इसके बॉडी और साइडों को दोनों मिला के एक जोन बना दिया था यहाँ पे देखिए दो बार टच हुआ है तो उसको बोलते हैं एसेंडिंग ट्रैंगल और नीचे में देखो ये इसका हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहा है इसके हाई को ब्रेक नहीं किया इसका हाई को नहीं ब्रेक किया तो इसे एसेंडिंग ट्रैंगल जैसे ब्रेकआउट करता है उसको तुरंत एंट्री नहीं लेना था मैं बोला था ये कैंडल ब्रेक किया इसको तो क्लोज होने से क्लोज हुआ नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको हाई को ब्रेक किया एंट्री लिए इस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाए हमारा फर्स्ट हाइट स्टॉप लॉस का डबल होगा दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है वो रख सकते हैं तो अप्रोक्स हमारे इस बीच का जो डिस्टेंस था वो हमको टारगेट मिला भी है ठीक है ना ये बीच का आप डिस्टेंस रख सकते हैं या नियर बाय कोई रेस्टेंस होगा ओपन में तो उसका भी अपना टारगेट रख सकते हैं अब फिर यहाँ पर आ जाते हैं ये भी एक देखो कितना अच्छा ये एसेंडिंग एंगल है देखो एक बार टच हुआ है दो बार टच हुआ है इसके हाई को ये नहीं ब्रेक हाई दो बार टच हुआ हायर 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 हायर, तो सर यहाँ पर साइड और जो दो बार टच हो रहा है दो बार टच हुआ उसको ले लीजिए लेकिन आपको फिर भी रिक्स लग रहा है और साइडो को मिला के जोन टाइप का देखते हैं जोन ड्रो कर सकते हैं जिससे वो भी कर लेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं आपका कॉन्फिडेंट लेवल और भी हाई हो जाएगा तो देखिए हायर हाई हायर हाई बना रहा है एक बार टच हुआ है दो बार टच हुआ एसेंडिंग ट्राइंगल है जैसे ब्रेकआउट किया क्या किया क्लोज होने के इंतजार किए और नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको हाई को ब्रेक किया एंट्री लिए इसके इस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉपलस लगाए और स्टॉपलस का फर्स्ट हाइट हमारे स्टॉपलस का डबल होना चाहिए दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइट ले सकते हैं तीसरा जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस होगा आपको उसका आप टाइट ले सकते हैं मिला क्या सभी हमको टाइट यहाँ पर क्या है अचीव करके मार्केट दिया है तो बहुत ही पावरफुल ये चार्ट पैटर्न है बहुत तगड़ा बनता है ये असेंडिंग ट्राइंगल डाउन साइड में भी बना है आप देखना या तो बॉडी साइड जो बार बार टच हुआ उसको मैं लिया हूं। एक बार टच हुआ दो बार टच हुआ तीन बार टच हुआ है चार बार टच जो बार बार टच होते हैं यहाँ पर जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये हायर हाई हायर हाई जैसे हुआ है तो जैसे जो ब्रेक करता है उसमें क्या बोला था आपको एंट्री नहीं लेने के लिए इसको लोग को ब्रेक के नेक्स एंट्री लो ये आपका स्टॉप लॉस है फर्स्ट स्टॉप लॉस का टारगेट ले सकते हैं डबल दूसरा या इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका भी अपना टारगेट ले सकते हैं तीसरा जो नियर बाय सपोर्ट है उसका भी आप मिल ले सकते हैं देखो कितना गजब का ये टारगेट आपको दिया हुआ है ठीक है ना यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा ये स्ेंडिंग ट्राइंगल काम किया है यहाँ पर अच्छा स्टेंडिंग ट्रैंगल काम किया है आप देखना एक बार टच हुआ है दो बार देखो आप देखो इसको ब्रेकआउट तो हुआ है बोलेंगे सर ये तो ब्रेकआउट हुआ था इसमें एंट्री ले सकते नहीं ये ब्रेकआउट हुआ था इसमें एंट्री नहीं जब तक इसके हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेनल है एक बार टच हुआ दो बार टच हुआ है जैसे ये ब्रेकआउट किया इसमें हम एंट्री ले नहीं इसके हाई को ब्रेक किया जैसे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर एंट्री लिए हमारा स्टॉपलस है स्टॉप का फर्स्ट टारगेट डबल होना चाहिए दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है उस, उसका टारगेट ले सकते हैं मिला है क्या आपको बस हमको सब टारगेट यहाँ पर मार्केट दिया हुआ है ठीक है आज ये यहाँ पर देखिए असेंडिंग ट्रैंगल आप देख सकते हैं ये भी देख सकते हैं ये असेंडिंग ट्रैंगल है बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ तो आप दूसरा पर हम लोग बात करते हैं बहुत सिंपल है दूसरा पर हम लोग बात करते हैं कौन सा है डिसेंडिंग ट्राइंगल जस उसका उल्टा हो गया डिसेंडिंग ट्राइंगल जस्ट उल्टा होगा पहले उसमें देखते होंगे एसेंडिंग ट्रैगल ऊपर में ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह यहाँ पर मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था अब क्या हो गया आप नीचे ऊपर में था आप ये उसका उल्टा हो गया जहां एसेंडिंग ट्रायंगल में ये ट्रेन लाइन नीचे था एसेंडिंग ट्रायंगल में ये आप ट्रेन लाइन ऊपर चला गया और जहां ऊपर था यहां पे नीचे आ गया कैसे आपको पहचानना है डिसेंडिंग ट्रायंगल चले सिंपल तरीका बता देता हूं तो देखो सबसे पहले देखो मार्केट में दो टॉप दो बॉटम कंपलसरी यह कम से कम कनेक्ट होना चाहिए सपोर्ट ट्रेन लाइन का कनेक्ट होना चाहिए और जेंटल लाइन का या सपोर्ट एंड ट्रेन लाइन का कनेक्ट होना चाहिए तो जैसे एक बार कनेक्ट हुआ दो बार कनेक्ट हुआ एक बार कनेक्ट हुआ दो बार का तभी ये ट्रेन लाइन कहलाएगा तभी ये असेंडिंग ट्रैंगल या डिसेंडिंग ट्रैंगल कहलाएगा अब देखो मार्केट क्या है यहां से मार्केट ऊपर से नीचे गया एक अपना बॉटम बनाया ठीक है ना अगेन मार्केट ऊपर गया एक अपना टॉप बनाया फिर अगेन मार्केट नीचे गिरा और सेम जहां से मार्केट ऊपर गया था के आसपास में अगेन अपना फोटम के पास आया फिर अगेन मार्केट ऊपर गया अब इसके हाई को ब्रेक नहीं किया यहीं से मार्केट क्या नीचे गिर गया लोअर लो ऊपर बना रहा है अगेन मार्केट नीचे गिरा जहां से मार्केट कल ऊपर गया तो उसी के आसपास मार्केट अगेन ऊपर गया तो ऐसे जोन में मार्केट चलता रहता था और ये क्या अपना लोअर लो बनाता जा रहा है तो यह अपना ट्रेल लाइन आपको यहां पर डोर कर रहा था इसको बोलते हैं क्या डिसेंडिंग ट्राइंगल ये दो या दो भी बन सकते हैं या दो या दो से अधिक भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं एंट्री लेने का वही सेम रूल है दो तरीका मैं बताया था एसेंडिंग ट्राइंगल जो ब्रेकआउट करता है उसको क्लोज होने देता है तभी इसका हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक तब इंटेलीजी इसके नीचे स्टॉप लॉस दूसरा या तो उसको ब्रेकआउट करके रिप्लेसमेंट लेता है और कोई बुलिस कैंडल बनता है और उसको हाई को ब्रेकआउट करता है तो तब यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं ये डाउन साइड भी हो सकता है अप साइड भी हो सकता है दोनों साइड में आपको सेम ही रूल ये आपका काम करेगा चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको साथ में बताता हूँ देखिए ये एक क्या है ये है आपको एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है देखो एक बार टच हुआ है दो बार टच हुआ बार बार टच हो रहा था यहाँ पर अपना जोन भी ड्रो कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर जोन भी ड्रो कर सकते थे तो जैसे इसको ब्रेकआउट करता है इसमें एंट्री न ली इसको क्लोज होने दी यहाँ पे क्लोज होने के बाद जैसे इसको लोग को निश के एंडल ब्रेक करते हमारा स्टॉप स्टॉपल्स है देखो कितना गजब का आपको टाइट मिला है ठीक है ना तो ये ऊपर नीचे भी जा सकता था ठीक है ना ऊपर नीचे भी जा सकता है दोनों तरफ जा सकता है तो ये देखो कितना प्यारा सा ये है क्या है ये एक आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है तो देखिए एक बार टच हुआ है दो बार टच हुआ है ये देखिए यहीं से मार्केट का ऊपर गया है फिर अगेन मार्केट गया है इसी के आस पास ऊपर गया तो एक बार ऊपर गया दो बार ऊपर गया कंपलसरी दो बार कम से कम तो जैसे आइए क्या यहाँ से मार्केट नीचे इसका लोअर लो ये मार्केट क्या बना रहा है तो जैसे इसको लो को ब्रेक करता है तो इंटीनल क्लोज होने दे या तो रिटेस्टमेंट आने दे तब तो रेट ले तो जैसे यहाँ पर एंट्री लिए हमारा स्टॉप लॉस है देखो कितना गजब का हम टारगेट कौन सा होना चाहिए इस बीच का जो डिस्टेंस वो टारगेट रख सकते हैं या तो अपना स्टॉप लॉस को डबल रख सकते हैं मिला क्या आपको यहाँ पर हमको टारगेट मिला भी है देखो ये भी क्या है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है देखो मार्केट के बार बार क्या था यहाँ से तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ से मार्केट ऊपर गया बार बार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है ये क्या है सेम यहाँ पर सपोर्ट के पास आ सारे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं सपोर्ट के लेके क्या मार्केट ऊपर जा रहा के के है तो यहाँ पर हम क्या के एक जोन टाइप का बना दिया ये हमारा क्या है एक एसेंडिंग ट्राइंगल है और देखो ये क्या है लोअर लो हाइर लो बनाता है हायर लो बनाता है जैसे इसको ब्रेकआउट करता है तो क्लोजिंग का इंतजार करो क्लोज करने के बाद नेक्स्ट टाइम इसको हाई को ब्रेक किया यहाँ पर एंट्री लिए ये हमारा स्टॉपलस है तो टाइट कौन सा होना हमारा स्टॉपलस का डबल और दूसरा टाइट इस बीच का जो डिस्टेंस है वो रख सकते हैं मिला क्या आपको हमको देखिए कितना बड़ा टाइट मिला है ठीक है ना तो ये हमारा कौन सा है डिसेंडिंग ट्रैंगल ठीक है ना कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो ये भी एक डिसेंडिंग ट्रैंगल है देखो मार्केट क्या है एक बार यहां से ऊपर जा रहा है दो बार गया तीन बार गया तो दो या दो से अधिक कितना कम से कम कंपलसरी के दो बार होना चाहिए उससे जितना भी बनेगा तो उतना बढ़िया रहेगा देखिए क्या है हायर लो हायर लो ये ब्रेकआउट तो किया लेकिन इसको हाई को ब्रेक किया क्या कि हम यहां पे एंट्री नहीं लेंगे जब तक तो इसको हाई को नहीं ब्रेक करता तब तक एंट्री नहीं लेंगे यहां पे बोलेंगे सर इसको हाई को तो ब्रेक किया यहां पे एंट्री लिया पे आपको एसल गया होगा ठीक है ना एंट्री लेंगे तो जैसे इसको ब्रेकआउट किया आप यहां पे अगेन एंट्री लिए आपका स्टॉपलस था अब देखो आपको क्या गजब यहाँ पर टारगेट मिला है जब तक ब्रेकआउट नहीं करता क्लोज नहीं करता तब तक तो क्या कहना आपको ट्रेड नहीं लेना एस एल भी जाता है एसल भी ले लो बहुत छोटा एस एल होगा टाइट गजब का मिलेगा ठीक है ना यहाँ पे देखो अगेन एसेंडिंग ट्रायंगल है एक बार टच हुआ दो बार टच हुआ तीन बार टच हुआ लोअर लो लोअर लो बनाया जैसे इसको ब्रेकआउट किया उसमें हम क्या किया नहीं लिया इसको क्लोज होने दिया क्लोज हुआ यहाँ पर एंट्री लिया हमारा स्टॉपलस है तो स्टॉपलस का फर्स्ट टाइट होना चाहिए दूसरा इस बीच का डिस्टेंस है वो टाइट ले लेना है क्या मिला है कि वो टाइट हमको सभी टाइट यहाँ पर हमको अचीव करके मार्केट दिया हुआ है ठीक है ना तो ये सिंपल तरीका आपको टाइट भी में बता दिया स्टॉपलस भी बता दिया सब कुछ बता दिया अब तीसरा हमारा क्या है सिमेट्रिक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये मार्केट में सब रेगुलर बनता है मतलब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल मार्केट में रेगुलर ही बनता है रेगुलर ही ठीक है ना तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये बीच का जो गैप है ना थोड़ा ज़्यादा रहेगा याद रखना ये गैप थोड़ा ज़्यादा रहेगा और कंपलसरी के दो टॉप दो बॉटम कम से कम कनेक्ट होना चाहिए तभी वो सिमेट्रिकल ट्राइंगल कर आएगा और देखना ये क्या है हायर लो हायर लो ये है ल, क्या है क्या है लोअर हाई मतलब इसके हाई को ये नहीं ब्रेक करेगा ये इसका हाई को ये नहीं ब्रेक करेगा दोनों टाइप में क्या होगा एक ट्रेन लाइन टाइप का ये त्रिभुज टाइप का बनेगा ट्रेन लाइन टाइप का ये बनेगा ठीक है ना दोनों तरफ से इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा सिंपल तो उसको बोलते क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल ठीक है ना इसमें एंट्री लेने का इसमें भी वही सेम तरीका है जैसे इसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें इंटरनल है सब में सेम ही रहेगा क्लोज करने के इंतजार कीजिए जैसे नेक्स्ट हाई को ब्रेक करते हैं इंट्री इसके नीचे स्टॉपलस इस और फर्स्ट टारगेट अपना स्टॉपलस को डबल रखो दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका अपना टारगेट ले सकते हैं ठीक है ना सेम ऊपर नीचे सेम या तो इसको ब्रेकआउट करता तो रिटेसमेंट करने के लिए आने दीजिए एक गेन बुलिस कैंडल बनता है उसको हाई को ब्रेक करता है तो एक ऊपर के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं कैसे मैं एग्जाम्पल के साथ कुछ बताता हूँ यहाँ पर आ जाइए यहाँ पर देखिए ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये मार्केट में डेली बनता है भाई साहब डेली बनता है अगर ये समझ के लिए तो मार्केट आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है देखो एक बार टच हुआ है दो बार टच हुआ कम से कम दो बार कंपलसरी है एक बार टच हुआ दो बार टच हुआ तीन बार टच हुआ ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट किया तो तो जैसे ब्रेकआउट करता है उसमें टेट नाले उसको क्लोज होने देखिए क्लोज यहाँ पे क्लोज होने दिए नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको लोग को ब्रेक किया एंट्री इसी कैंडल के ऊपर हमेशा दस या बारह पॉइंट स्टॉप लॉस टाइट अपना स्टॉप लॉस को डबल ले सकते हैं दूसरा टाइट इस बीच का जो डिस्टेंस है वो अपना टाइट ले सकते हैं इस बीच का जो डिस्टेंस है उसको टाइट ले सकते हैं या नियर बाय जो सपोर्ट होगा उसको आप ले लीजिएगा क्या मिला है आपको हमको यहाँ पर देखो कितना अच्छा टाइट हमको मिला हुआ है ठीक है फिर येन देखिए यहाँ पे क्या है एक बार टच हुआ है दो बार टच हुआ है एक बार टच हुआ दो बार टच हुआ तीन बार, हुआ, बार हुआ। तो दो से जितना भी टच होता उतना बढ़िया रहेगा जैसे ब्रेकआउट करता है उसमें एंट्री ना ले उसको क्लोज न जैसे क्लोज होने के बाद जैसे इसका हाई को ब्रेक करता है एंट्री आपका स्टॉपलस है और टाइट आप स्टॉपलस का डबल लीजिए दूसरा इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका टाइट ले सकते हैं मिला क्या आपको सारा टाइट हमको यहाँ पर अचीव करके मार्केट ने दिया है तो देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या है कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है दोनों में ट्रेड लेना जो मैं पहले भी बताया था यहाँ पर मैं बताई ये नीचे ब्रेक करेगा तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है ऊपर ब्रेक कर रहा है तो ऊपर के लेना है तो ये न्यूट्रल होता है तो दो दोनों साइड ही आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे अभी अप साइड में मिल रहा है था अप साइड का हम लोग प्लान करते हैं एक बार टच हुआ दो बार टच हुआ है दो है दो से ज्यादा टच हुआ है जैसे इसको ब्रेकआउट करता है उसमें इंटी नल ले क्लोज होने दे या रिट्लेसमेंट का इंतजार करें यहाँ पर एंट्री लिए हमारा स्टॉपलस है इस बीच का आपको टाइट होना चाहिए या तो अपना स्टॉप लॉस को डबल ले सकते हो या नियर बाय जो सपोर्ट है उसका ले सकते मिला क्या अपोर्स यहां पर हमको सभी टाइट ने अचीव करके हमको दिया हुआ है ठीक है ना तो ये हमारा पावरफुल क्या सिमेट्रिकल ट्राइंगल आप देख सकते हैं मार्केट में कितना ज्यादा बना है देखो अब मैं बोला था ना कभी कभी रिट्लेसमेंट करने के लिए आएगा देखो एक बार टच हुआ है दो बार टच हुआ है एक बार टच हुआ है, दो बार टच हुआ है अरे ट्रेन लाइन का टच हुआ जैसे ब्रेकआउट की आप यहाँ पे एंट्री लेंगे ये आपका स्टॉप लॉस होगा तो मार्केट नीचे बिग गया लेकिन ऊपर जाकर आपका स्टॉप लॉस को हीट कर दिया क्योंकि रिप्लेमेंट करने के लिए अगेन देखो यहाँ पे क्या एक रिप्लेसमेंट करने के लिए अगेन देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल के

जैसे इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे एंट्री आपका स्टॉप लॉस है अब देखो कितना बड़ा आपको टाइट मिला हुआ ठीक है ना तो ये मार्केट में अक्सर डेली बनता है ये देखो कितना अच्छा ये सिमेट्रिकल ट्रैंगल है बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे देखो कितना एग्जाम्पल है तो दोस्तों ये था हमारा कौन सा सीमेट्रिकल ट्रेंगल जिसे कैसे इसमें यूज करना है क्या करना है सब बता दिया तो ये था हमारा टॉप थ्री चार्ट पैटर्न अगर इसको आप समझ गए तो आपको चार्ट पैटर्न मार्केट में आपको चार्ट को समझना इजीली आसान हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको चार्ट को देखना मतलब आप यहाँ पर कहीं भी आपको देख के आपको यहाँ पर पंद्रह मिनट या फाइव मिनट में आप चार्ट को आपको मिल जाएगा जैसे यहाँ पे सीमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया कौन सा ट्रायंगल बनाया तो इजीली आप यहाँ पर ड्रो कर सकते थे यहाँ पर देखो एक यहाँ पर बनाया है तो ईजिली आपको मिल जाएगा जब भी ड्रो करेंगे बस आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा देखो क्या गजब का फॉल हुआ है तो ये बहुत ही पावरफुल मार्केट में है और ये अक्सर मार्केट में बनता भी है देखो ये देखो ये कौन सा चार्ट पैटर्न आप खुद समझ जाओगे कौन सा चार्ट पैटर्न है देखो ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है देखो क्या गजब का यहाँ पर फॉल हुआ है अब बोलेंगे भाई यहाँ पर तो एंट्री नहीं बना है ठीक है यहाँ पर एंट्री नहीं बना है लेकिन काम तो यहाँ पर देखो ब्लास्ट तो हुआ है यहाँ पर एंट्री नहीं बना होगा यहाँ पर दूसरे यहाँ पर हमारा बॉक्स अप्लाई हुआ है लेकिन गजब का यहाँ पर भी काम हमारा किया हुआ है तो मार्केट में अक्सर ये डेली बनता है अब डेली बनता है मैं देखता हूँ मैं डेली भी देखता हूँ मैं डेली बनता है आइए देखो कितना अच्छा ये कौन सा कैंडल बना है ये देखो आपका एसेंडिंग ट्राइंगल यहाँ पर बना हुआ है आप ध्यान देना यहाँ देखो ये इसको बोलते हैं एसेंडिंग ट्रैंगल जो मैं आपको अभी पढ़ाया था बना है कि नहीं बना है देखो सेम ये असेंडिंग ट्रैंगल है देखो कितना बड़ा है यहाँ पर फॉल हुआ है क्या गजब का फॉल हुआ है फिर अगेन यहाँ पर देखो क्या ये कौन सा कैंडल बना है यहाँ पर देखो आप खुद पता कर लोग मार्केट में डेली बनता है चार्ट पैटर्न ये देखो ये बनना है सिमेट्रिकल ट्रैंगल देखो मैं कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ ये एक यहाँ पर देखो आप एंट्री तो आपको पता ही कैसे एंट्री लेना है यहाँ पर आपका एंट्री कहाँ बनता था यहाँ पर आपको एंट्री बना था और देखो क्या गजब का फॉल हुआ मार्केट में देखो ये था सिमेट्रिकल ट्रायंगल और भी कई सारे मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ जिससे आपको समझने में इजीली हो ठीक है ना कई सारे एग्ज़ाम्पल और भी मैं यहाँ पे दे सकता तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा देखो ये भी एक क्या है ये भी एक सेमेट्रिकल ये ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है देखो एक बार टच हुआ दो बार कंपलसरी है देखो यहाँ से मार्केट क्या ब्लास्ट हुआ है तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल कितना सिंपल तरीका मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तो ये तीन चार्ट पैटर्न अगर समझ लिया ना तो मार्केट के समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो दोस्तों तो ये था आपको तीन चार्ट पैटर्न में जबरदस्त पढ़ाया एक चीज आपको इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूँ मेरा एक क्लास स्टार्ट होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव क्लास जो मॉर्निंग में लाइव क्लास में आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ जिसे आपको आठ पैंतालीस से लेकर साढ़े दस ग्यारह तक की क्लास चलेगा और ओपन मार्केट में आपको सिखाऊंगा कैसे एंट्री करना है कैसे एग्जिट करना है क्या स्टॉप लॉस है क्या टाइट सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ जिससे आपका साइकोलॉजी कैसे इंप्रूवमेंट करना है कैसे क्वान्टिटी साइज बढ़ाना है कब घटाना है कैसे बड़ा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं सब कुछ मैं बताने वाला हूँ अगर आप उस क्लास में आने के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा उसमें कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो देखो लाइव क्लास में सीखने का मज़ा कुछ अलग होगा क्योंकि जल्दी आपका ब्रेन में ऑब्जॉर्व होगा और बहुत ही फास्ट जो आप छः महीना में ट्रेडिंग सीखोगे वो आप दो महीना में सीख सकते हो तो इतना फास्ट होने वाला है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नंबर मिल जाएगा उसमें कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो तो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला मुझे कमेंट करना और वीडियो अच्छा लगे जो लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हम लोग बाय एंड टेक केयर